अमरीका के अफगानिस्तान के निसफ अजला पर तालिबान के कब्जे की तस्दीक। चेयरमैन अमरीकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का कहना है, अफगानिस्तान के कुल 419 अजला में इससे 200 से ज्यादा तालिबान के जेर कब्जा हैं। गुज़श्ता माह तालिबान के पास सिर्फ 81 अजला थे। तालिबान की हिकमत अमली बेहतर साबित हो रही है। अमरीकी फौज गैर सियासी मुल्की सियासत में कभी मुदाखलत की न आइंदा करी। अमेरिका ने कैनेडियन शहरियों की आमद पर पाबंदी में एक माह की तौसीह कर दी। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक कैनेडा और मेक्सिको की सरहद 21 अगस्त तक बंद रहेगी। पाबंदियों में नरमी के हवाले से कैनेडा और मेक्सिको से राबिते में है। कैनेडा 9 अगस्त से अमेरिकी सयाहों को आने की इजाज़त देने का ऐलान कर चुका है। कोरोना के बायस अमरीकियों की औसत उम्र में 1.5 साल की कमी। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में अमरीकियों की औसत उम्र 77.3 साल रही। 2019 में अमरीकी शहरियों की औसत उम्र 78.8 साल थी। दूसरी आलमी जंग के बाद अमरीकियों के औसत उम्र में ये सबसे बड़ी कमी है। कुर्बानी के गोश्त से मजे मजे के पकवानों की तैयारी। किसी ने कोरमा पुलाव रान रोस्ट का मजा उड़ाया, कहीं बारबेक्यू की दावत। बच्चा पार्टी ने पार्क्स और प्लेलैंड्स में खूब मौज मस्ती की। आर्मी चीफ ने ईद का पहला दिन जिला कुर्रम में पाक अफगान सरहद पर जवानों के साथ गुजारा। एसपीआर के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों के बुलंद हौसले पेशावराना सलाहियतों और तैयारियों को सराहा। कहा, हर किस्म के से निपटने हर कीमत पर पाकिस्तान का दिफा करने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ ने तरक्याती मनसूबों में सिविल इंतजामिया से तआवुन पर फॉर्मेशन की तारीफ की। सहाफत का एक अहतमाम। मुमताज सहाफी और 92 न्यूज के सीनियर तजियाकार आरिफ निजामी का इंतकाल। नमाज जनाजा में शौकत तरीन, जहांगीर तरीन, परवेज रशीद, सात रफीक, मुसद्दिक मलिक, एहतजाज अहसन, इरशाद अहमद आरिफ की शिरकत। आरिफ निजामी मियानी साहिब कब्रिस्तान में सपोर्ट खाक। चेयरमैन 92 न्यूज मीडिया ग्रुप मियाँ मोहम्मद हनीफ का इजहार ताजियत। सीईओ 92 न्यूज मीडिया ग्रुप मियाँ मोहम्मद रशीद और 92 मीडिया फैमिली का भी दुख का इजहार। सदर और वजीर आजम का सीनियर सहाफी आरिफ निजामी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आरिफ निजामी की सहाफत के शोबे में गिरा कदर खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू का भी आरिफ निजामी के इंतकाल पर दिली ताजियत का इजहार। चेयरमैन सैनेट वफाकी वज़रा वज़रा आला ने गहरे रंज का इजहार किया। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं का भी इजहार अफसोस। दासू वाकई की तह तक पहुंच चुके। दासू में काम बंद होने की अफवाहें पाकिस्तान के दुनिया फैलाईं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत का मनफी रवैया खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुनासिब नहीं। ताशकंद में सख्त जुमलों के बावजूद अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की। अफगान सफीर की बेटी के मामले की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का साबिक सफीर शौकत मुकदम से भी टेलीफोनिक राबिता, इजहार ताजियत। चीन के सफीर नोंग रोंग की वजीर दाखिला शेख रशीद से मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का कहना था, पाक चीन तालुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। चीनी सफीर का दासू बस वाकई की तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल कर ली। कहते हैं, बेहतरीन हज इंतजामात पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। हुज्जाज कराम को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कुर्बानी सर हो गई जी? कुर्बानी हो गई जी। एवानों की कुर्बानी या दूसरी कुर्बानी? ये शेख साहब वाली कुर्बानी नहीं है, वैसे कुर्बानी है। कुर्बानी तो हो गई जी, अब फिर आपके बुलावे पे हम यहाँ आ गए। मेरा पहला जिंदगी में किसी स्टूडियो में बैठने का है।
चेयरमैन सैनिक सारिक संजरानी की पहली मरतबा टीवी प्रोग्राम में शिरकत, 92 न्यूज़ पर ईद शो में दिलचस्प गुफ्तगू की। कहा, प्रोग्राम में बलोचिस्तान और दीगर सूबों के नुमाइंदे मौजूद हैं, सिंध का नुमाइंदा न होने पर वो इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। सैनिक में सब अरकान बहुत मैच्योर हैं, वो किसी को बात करने से नहीं रोकते। सखर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-आब। बारिश के बायस मवासलात और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से शाहराह काराकरम नौ मकामात पर बंद, बहाली का काम ताख़ीर का शिकार। बड़ी तादाद में सयाह और मुसाफिर फंस गए। साबिक वफाकी वज़ीर आबिद शेर अली का लंदन के रेस्टोरेंट में खाने के दौरान एक फैमिली के अरकान ने आवाज़ कसी, लीगी रहनुमा गुस्से में आ गए। दोनों तरफ से नाजेबा जुमलों का इस्तेमाल, रेस्टोरेंट इंतजामिया ने बीच बचाव कराया। सुलेमान शहबाज और उनकी फैमिली भी डिनर में मौजूद थी। टोक्यो ओलंपिक्स में खवातीन के फुटबॉल मुकाबलों का भी आगाज। इफ्तिताही मैच में खवातीन की आलमी चैंपियन अमरीकी टीम को स्वीडन के हाथों अपसेट शिकस्त। खवातीन सॉफ्ट बॉल में तीन मैचों का फैसला, जापान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। कैनेडा ने मेक्सिको, अमेरिका ने इटली को हरा दिया। टोक्यो ओलंपिक्स की बाजाबता इफ्तिताही तकरीब 23 जुलाई को होगी। पाकिस्तानी दस्ता भी शरीक, कौमी खिलाड़ी कई इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। और कौमी क्रिकेट टीम इंग्लैंड से वेस्टइंडीज पहुंच गई। स्क्वाड के मैनचेस्टर में कोरोना टेस्ट के रिजल्ट मनफी आए। दूसरी जानब आईसीसी ने टी20 की रैंकिंग जारी कर दी। मोहम्मद रिजवान की करियर बेस्ट 7वीं पोजीशन, बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। नाज़रीन, क्वेटा में शहरी जहां दिन भर चटपटे पकवानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, वहीं रात को मुंह मीठा करने के लिए आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे स्मंगली रोड के फूड पॉइंट पर मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं। फजल तवा, बताइएगा शहरी क्या कर रहे हैं आखिर? जी बिल्कुल, आज ईद के पहले रोज दिन भर जहाँ शहरी कुर्बानी के जानवरों के साथ मसरूफ थे और लजीज खानों से जो चटपटे खाने हैं, बारबेक्यू और मुख्तलिफ कढ़ाइयों से जो है महजूज होते रहे, तो अब रात के औकात में शहरियों ने बड़ी तादाद में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो आइसक्रीम पार्लर्स है यहाँ का रुख किया हुआ है, क्योंकि मौसम जो है वो गर्म है और शहरियों का कहना है कि गर्म मौसम में चटपटे कानों के साथ जो है ठंडी तार आइसक्रीम और जूसेस ना हो, भला ये कैसे मुमकिन है। तो मुख्तलिफ किस्म की जो आइसक्रीम है जिसमें बनाना मिल्क शेक, मैंगो शेक और इसके अलावा जो तरह तरह के टंडी तार आइसक्रीम है उससे लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं शहरी, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म के जूसेज है टंडी तार उससे भी शहरी महजूज हो रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि दिन भर कुर्बानी के जानवरों के साथ चूँकि मसरूफ थे, ठंडी मशरूबात से जो है अब लुत्फानंदोज़ होता हुआ जा रहा है। जी